वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आज इस मिठाई की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, इस मिठाई को बनाया है मैंने मिल्क पाउडर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मिल्क पाउडर की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक कटोरी मिल्क का पाउडर। उसके बाद हमें लेना है 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, नींबू का रस, लगभग यहाँ पे आधा नींबू हम इस्तेमाल करेंगे, 1/2 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा, जो भी आप डालना चाहें आप इसको उसमें इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। हाथ से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हाथ से अगर आप मिक्स कीजिएगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें हल्का हल्का गर्म दूध डालेंगे। दूध यहाँ पे गर्म ही इस्तेमाल करना है आपको, ये देखिए बिल्कुल गर्म दूध है, ठंडा दूध यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। और गर्म दूध डाल के सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक सॉफ्ट डो हमें रेडी कर लेना है। थोड़ा सा हम और दूध इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल इतना ही सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे चाहिए। ज़्यादा हमें यहाँ पे हार्ड या फिर ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो अब हम अपनी मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। चकला ले लेंगे, चकला के ऊपर हमें तेल लगा लेना है। अब हम इसमें से डो ले लेंगे और इसे हम गोला कर लेते हैं, और जिस तरीके से आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसे बेल लेना है। लेते हैं ये देखिए, इसी तरीके से हमें इसे बेल लेना है। अब हम एक मोल्ड लेंगे और इसके किनारे पे हमें तेल लगा लेना है और इस तरीके से हमें दबाना है। और ये देखिए मिल्क पाउडर से कितनी डिजाइनर एक मिठाई बन करके रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरीके से सारी डिजाइनर मिठाइयाँ हमें बना लेनी है, और कुछ और मिठाइयों को मैंने आकार दे दिया है। तो अब बाकी की मिठाइयाँ जब तक हम तैयार करते हैं उससे पहले हम चाशनी तैयार करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ हमारी सेप हमने दे दी है बहुत सारी मिठाइयों को। तो अब चलिए पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करेंगे तो चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पर हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। 1 कटोरी चीनी में हमें 1/2 कटोरी पानी डालना है। अब हम चीनी को मेल्ट होने देते हैं, यानी कि 1 उबाल आने देते हैं इसमें। यहाँ पर चाशनी में हल्का सा उबाल आना चालू हो गया है, तो अब हम डालेंगे हल्का सा नींबू का रस। इससे हमारी जो चाशनी है उसका जो कलर है बिल्कुल साफ हो जाएगा और चीनी भी नहीं जमेगी। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें 1 तार से थोड़ा सा कम ही चाशनी बनानी है। तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके की चाशनी चाहिए। यहाँ देखिए हमारी जो चाशनी है वो लगभग रेडी हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको हाथ पे लेना है और इस तरीके से इसे चेक करना है। हमें 1 तार की चाशनी नहीं बनाई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी तार नहीं बन रहा है। चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी बनानी है और यहाँ पे हमने
चिपचिपी चाशनी जो हमारी है वो रेडी हो चुकी है। और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ है, एकदम खिला खिला है। तो चाशनी हमारी बनकर के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम सारी मिठाइयों को इसमें डालेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। तो सारी मिठाइयों को मैंने डाल लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। सारी मिठाइयों को पलट लेते हैं। ये देखिए एक साइड से ये लगभग ब्राउन होने लगा है, तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड से इसे ब्राउन कर लेना है। ये एक बहुत ही इजी मिठाई की रेसिपी है, तो आप लॉकडाउन में भी इसे बना करके ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इसका शेप भी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप चाहें तो आप इसको गुलाब जामुन का शेप भी दे सकते हैं। कुछ मिठाइयों को मैंने गुलाब जामुन का शेप दिया है, ये देखिए। तो अब हम इसको फिर से पलट लेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ही जल्दी रस अंदर चला जाता है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे ताकि जब हम इसको रस में डालें तो फिर ये जल्दी से टूटे नहीं। अब हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सारी मिठाइयों को हमने निकाल लिया है, तो अब हम इसे रस में डालेंगे। यहाँ पर मिठाइयों को मैंने एक बाउल में डाल दिया है, अब इसके ऊपर से हम इस तरीके से रस डालेंगे, ये देखिए। और इसे 15 से 20 मिनट हम रस में ही डूबा हुआ रहने देंगे ताकि जो चाशनी है इसके अंदर अच्छे से चली जाए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और इजी मिठाई रेडी हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हम हल्का सा कोकोनट का पाउडर डाल देते हैं ताकि इसका जो लुक है वो देखने में बढ़िया लगे। तो हल्का हल्का मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर छिड़क दे रही हूँ। अब कोकोनट बुरादा छिड़कने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मैंने जो कुछ मिठाइयों को गुलाब जामुन का शेप दिया था उसे भी मैंने फ्राई कर लिया है, ये देखिए। और इसे भी मैंने रस में डाला हुआ है। तो दोनों ही मिठाइयाँ हमारी रेडी हो चुकी है। आप या तो इसे इस तरीके का शेप दे सकते हैं या फिर गुलाब जामुन का शेप दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।